तो आमिर भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं आप जो सबके दिलों की जान है, और एक रॉयल इनफील्ड और है वो सबसे लास्ट में कवर करेंगे उसको, वो तो मतलब एक लेजेंडरी बाइक ही है। तो अगर आपको टूरिंग पर्पज से अगर कोई बाइक चाहिए एकदम पावरफुल, तो वो बाइक भी मतलब यहाँ पे अवेलेबल है, वो दोस्तों है बजाज। You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over. हेलो दोस्तों, दिस इज डीजे मीडिया। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेकेंड हैंड बाइक का एक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन। आज मैं आया हूँ अनाया ऑटो कंसल्ट, और यहाँ पर हमारे आमिर भाई मिल रहे हैं। आमिर भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो आमिर भाई, आज मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, आपके यहाँ पे जो भी बाइक्स का जो कलेक्शन है सेकेंड हैंड बाइक्स का, और बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है, और आपको उस प्राइस में जोधपुर में और कहीं नहीं मिलने वाली, और सबसे ज़्यादा आप स्पोर्ट्स बाइक में डील करते हो। स्पोर्ट्स बाइक में अच्छी कंडीशन की गाड़ी, मतलब आपको शोरूम कंडीशन ही गाड़ी सारी मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो आप स्टार्ट करते हैं और आपको वन बाय वन सारी बाइक दिखाते हैं जो भी अभी करंटली जो भी अभी यहाँ पे प्रेजेंट में है। तो आमिर भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं आप जो सबके दिलों की जान है क्लासिक 350, तो ये क्या मॉडल है? और बाइक बड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, मतलब गन मेटल ग्रे है ना ये? 2019 का मॉडल है। 2019, और क्या इसकी आस्किंग प्राइस है आपके यहाँ पे? 1,50,000। 1,50,000, और वो नेगोशिएबल है। तो दोस्तों आप कंडीशन देखो, मतलब बहुत ही प्यारी है, और अगर इसकी मीटर की बात करूँ तो सिर्फ 24,000 ये चली हुई है अभी। स्टैंडर्ड के काफ़ी बाइक्स आपके यहाँ पे, सब बच्चों की, नए जनरेशन की सबकी पसंद ही है। सबसे ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल प्राइस में आपको स्टैंडर्ड मिल जाती है, मतलब बुलेट का जो एक्चुअल मजा है वो स्टैंडर्ड के अंदर ही है। तो यहाँ पे दोस्तों एक और रॉयल इनफील्ड की स्टैंडर्ड बाइक खड़ी है यार, इसमें तो मतलब अलॉय व्हील भी इंस्टॉल कर रखे आपने। बिल्कुल। ये क्या मॉडल है? ये 2022 का मॉडल है। ये 2022 है ना, और इसकी क्या आस्किंग प्राइस कर रहे हो आप? अपन कर रहे हैं आस्किंग 1,70,000। 1,70,000, वो नेगोशिएबल है। और देखो दोस्तों, इसकी भी अगर मैं मीटर दिखा देता हूँ तो सिर्फ 6,149 ये चल रखी है, और ये ABS वाला वेरिएंट है ना? बिल्कुल। ये सिंगल चैनल ABS है, और इसमें आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील भी इंस्टॉल कर रखे हैं। और ये मेरे बैक साइड में एक और स्टैंडर्ड यहाँ पे खड़ी है। तो ये क्या मॉडल है आमिर भाई? ये 2021 का मॉडल है, मात्र 3,000 चली हुई। अच्छा, मात्र 3,000 चली हुई। दोस्तों आप देख सकते हो मीटर सिर्फ 3,636। न्यू ब्रांड कंडीशन, मतलब एकदम शोरूम कंडीशन है बाइक, है ना? इसकी क्या आस्किंग है? इसकी अपन 1,60,000 रुपये रखी है। इस बाइक की मतलब 1,60,000 रुपये है। और दोस्तों ये भी सिंगल चैनल ABS है ना? सिंगल चैनल, ये सिंगल चैनल ABS है। दोस्तों आप देख सकते हो, आपको दिखा देता हूँ, ये सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट ही है। और एक और अंदर खड़ी है स्टैंडर्ड, और इसमें भी अलॉय व्हील आपने इंस्टॉल करवा रखे है ना? तो ये क्या मॉडल है? ये 2018 का मॉडल है। ये 2018 है। और दोस्तों आप कंडीशन देख सकते हो, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन की बाइक है। और इसकी अगर मैं देखूँ तो ये 40,000 लमसम चली हुई है ये बाइक, है ना? और इसकी क्या आस्किंग गाड़ी है? हाँ, कम प्राइस की। इसकी क्या आस्किंग है? मॉडल गाड़ी है ये, अपने 1,35,000 रुपये, मतलब 1,35,000, वो भी नेगोशिएबल है, मतलब ऑन टेबल जो भी होगा बेस्ट आप कर दोगे, है ना? तो दोस्तों ये तो हो गया रॉयल इनफील्ड का कलेक्शन, और एक रॉयल इनफील्ड और है वो सबसे लास्ट में कवर करेंगे उसको, वो तो मतलब एक लेजेंडरी बाइक ही है, तो उसको सबसे लास्ट में कवर करेंगे। और अब यहाँ पे मतलब अगर किसी को नेकेड बाइक अगर पसंद है, नेकेड स्पोर्ट, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये है यामा की MT-15, मतलब बहुत ही बढ़िया कंडीशन है। और इसकी क्या मतलब क्या मॉडल वगैरह क्या है ये? 2019 का मॉडल है। 2019 है। और क्या रनिंग कितने किलोमीटर चला रखी है? 24,000 के आसपास चला रखी है। और इसकी क्या आस्किंग कर रहे हो आप? इसकी 1,10,000 रुपये। इसकी 1,10,000, वो भी नेगोशिएबल है ना? तो दोस्तों आप बाइक देखो, एकदम नीट एंड क्लीन बाइक है। जो भी नेकेड लवर हैं, नेकेड बाइक के, तो वो इस बाइक के लिए आ सकते हैं यहाँ पर। माइलेज भी अच्छा है, और इसका माइलेज भी अच्छा है, क्योंकि इसमें वही यामा R15 वाला जो इंजन है वही यूज़ किया गया है। दोस्तों अगर मतलब डेली कम्युनिटी के लिए अगर एक आपको अफोर्डेबल बाइक चाहिए, सस्ती और एकदम दमदार, तो ये पल्सर यहाँ पे ये भी अवेलेबल है ना? तो ये क्या मॉडल है, कुछ इसके बारे में बताओ आप। 2020 का मॉडल है, और दोस्तों फर्स्ट हैंड है। और मतलब कंडीशन यार देखो आप, मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन बाइक है। और क्या रनिंग मतलब क्या किलोमीटर से ये चला रखी है?
तकरीबन 17,000 के 17,000 आसपास चली हुई है। और इसकी क्या आस्किंग के प्राइस क्या रख रहे हो आप? 65 कर रहे हैं। और आप मतलब एक मतलब मैंने आपके यहाँ पे बोर्ड भी देख दोस्त, आप देख सकते हो वहाँ पे, अगर बोर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे रीफाइनेंस का भी ऑप्शन है। मतलब आप कोई सी भी मतलब 50,000 की बाइक ले रहे हो चाहे 10 लाख की ले रहे हो, आपको रीफाइनेंस हो जाएगा, वो फैसिलिटी अवेलेबल है। IDFC फर्स्ट बैंक है जो कि परचेज फाइनेंस और रीफाइनेंस दोनों काम यहाँ पे, मतलब अपने यहाँ पे ऐसा टेंशन नहीं है कि भाई आपको कैश में लेके जानी बाइक, मतलब आप फाइनेंस भी करवा सकते हो। एक साल से काम कर रहे हैं अपन, और मतलब रीफाइनेंस का बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपने अवेलेबल कर रखा है ना दोस्तों। अगर आपको टूरिंग पर्पज से अगर कोई बाइक चाहिए एकदम पावरफुल, वो बाइक भी मतलब यहाँ पे अवेलेबल है। वो दोस्तों है बजाज की डोमिनार 400, मतलब बहुत ही बढ़िया कंडीशन की यहाँ पे बाइक अवेलेबल है। तो आमिर भाई ये क्या मॉडल है बाइक? 2018 का। ये 2018 है मात्र 10,000, मतलब BS4 है ना ये, 2018 में BS4 आई थी। तो दोस्तों मतलब और इसकी क्या आस्किंग प्राइस क्या कर रहे हो आप? इसकी 1,20,000 रुपये। 1,20,000 वो भी नेगोशिएबल है, मतलब आप ऑन टेबल जो होगा बेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों मजे की बात है ये 10,000 किलोमीटर चली, अच्छा सिर्फ 10,000 किलोमीटर ही चली हुई है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हो मतलब एकदम नीट एंड क्लीन बाइक है। आप जो भी बाइक देखोगे यहाँ पे सारी आपको नीट एंड क्लीन बाइक्स ही मिलने वाली है। और एक वहाँ पर खड़ी है KTM जो यंगर्स की बहुत ज़्यादा पसंद है स्पोर्ट सेगमेंट में, तो वो भी अपन देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये KTM RC 200 है ना जी, ये KTM RC 200 है दोस्तों, और एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन में। ये क्या मतलब मॉडल और इसकी क्या है प्राइसिंग वगैरह? 20 का मॉडल है, 2020 है जी, और 7,000 किलोमीटर 7,000 चली हुई है ये बाइक। और इसके मतलब क्या आस्किंग प्राइस क्या कर रही है आपने? इसकी अपन कर रहे हैं 1,60,000, और वो ऑन टेबल नेगोशिएबल है ना। तो दोस्तों आप इसकी बाइक की भी कंडीशन देखो आप, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन है और बहुत ही कम रनिंग हो रखी है इस बाइक की। तो जितनी भी बाइक से आप कोई भी बाइक पसंद करो, रीफाइनेंस का भी अपने ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया सारा है ना फाइनेंस दोनों चालू अपने पास। वीडियो की स्टार्टिंग में जिस बाइक का मैंने जिक्र किया था, मतलब सबसे हॉट सेलिंग बाइक है, वो बाइक है रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT कैफे रेसर, मतलब 535, मतलब बहुत ही ऑसम कंडीशन में है। और इस बाइक के मतलब आपको VIP नंबर भी मिलने वाले हैं। और कंडीशन देखो, मतलब एकदम शोरूम कंडीशन है ये बाइक, एक सिंगल स्क्रैच नहीं है इस बाइक में। तो ये क्या मॉडल है आमिर भाई? ये 2017 मतलब 17 दिसंबर का। और इसकी क्या आस्किंग प्राइस क्या कर रहे हो आप? इसकी अपन कर रहे हैं 1,55,000। 1,55,000 वो भी नेगोशिएबल है ना। तो दोस्तों मतलब सबसे हॉट सेलिंग बाइक मुझे जो लगी है, सबसे तगड़ी बाइक जो मेरे को लगी है, तो वो मतलब ये है, ये मतलब एकदम नीट एंड क्लीन बाइक है। और पावर की अगर मैं बात करूँ तो पावर अल्टीमेट है, और इसमें काफ़ी सारे एसेसरीज भी इंस्टॉल कर रखी है। इसमें ग्लोब का एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल कर रखा है, इसमें मीटर के प्रोटेक्शन के लिए भी लगा रखी है, इसमें बार एंड मिरर भी इंस्टॉल कर रखे हैं, मतलब और हैजार्ड सिस्टम भी है, विंडशील्ड भी इसमें इंस्टॉल कर रखी है, और बैक लाइट के लिए यहाँ पे एक छोटी सी LED स्ट्रैप भी इसमें इंस्टॉल कर रखी है। बाकी पूरी मतलब बाइक स्टॉक है, ऐसा कुछ सिर्फ एग्जॉस्ट है। तो देखो यार, साउंड के बिना ऐसी बाइक्स का तो मज़ा है नहीं, तो इसीलिए इसमें एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर रखा है। बाकी तो लमसम आपको स्टॉक बाइक ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मार्केट LED हेडलाइट भी इंस्टॉल है, और हैजार्ड सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल कर रखा है, और मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन, मतलब इस कंडीशन की GT आपको मिलना नामुमकिन है। तो मतलब अगर आप GT लवर हो, कैफे रेसर आपको पसंद है, तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करो। और ये बाइक बहुत ही कम ही सेकेंड हैंड मार्केट में देखने को मिलती है, क्योंकि जिसके पास भी होती है वो सेल करता नहीं है इस बाइक को। तो मतलब बहुत रेयर ही आपको सेकेंड हैंड मार्केट में इतनी नीट एंड क्लीन बाइक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सेकेंड हैंड बाइक का कलेक्शन आपको कैसा लगा? और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर की फिर मत जाना, और यहाँ के मैं कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भैया का भी नंबर मैं दे दूंगा यहाँ पे, बाकी इनके टीम के नंबर रहते हैं, और इनका भी नंबर दे दूंगा। आप मेरे रेफरेंस से अगर कोई आता है तो उसको बढ़िया डील आप दोगे नहीं दोगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और दिन, कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।